गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों हम हो चुके हैं रेडी, आपको दिख रहा है, और भी हम जाने वाले हैं गोल्डन टेम्पल, साथ में ही वाला बाग और थोड़ा आस पास वहाँ भी शॉपिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा। और सुबह के टाइम और अगर आप मेरा हमारी पर्सपेक्टिव हमारे साथ जुड़िए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी बताया भी हम आप दर्शन करने जा रहे हैं, है ना। आप लोग थे तो बहुत ही अच्छे, एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ये। और गाइस ये हमारी पंजाब सीरीज आपको कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करके, और क्या बेस्ट लगा है ना, और खूब सारा प्यार दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बस अभी यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ से अभी ऑटो पकड़ेंगे तो आपसे पूछने गए हुए हैं ना। बाकी कार अपनी यहाँ खड़ी है, पार्क्ड, वेल पार्क्ड एंड सिक्योर्ड। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी है, पार्किंग फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है और हमारी गाड़ी लगी है। बाकी देखो, और ये अपना रिसेप्शन एरिया है और फुल कैमरा फैसिलिटी है, बढ़िया, कोई इशू नहीं है। और भी होटल थे पर उनकी पार्किंग बाहर रोड साइड पे थी तो वो सेफ नहीं था। उनके जो टूरिस्ट गेस्ट हाउस है इसकी पार्किंग अंदर ही है और सेफ। अब वो चलते हैं बाहर। तो गाइस बस अभी हम चल रहे हैं रिक्शा से या ऑटो से, क्योंकि नियर बाई है, 1-2 किलोमीटर पे ही है। गाइस ये रिक्शा आ गया हमारा आज का व्हीकल, ये सब बैठ गए, बैठो। तो गाइस अमृतसर में हम ई रिक्शा का मजा लेंगे। तो गाइस देख सकते हो अभी हम आ गए हैं और ये सामने ही जस्ट मेरे सामने जलियांवाला बाग की मेन एंट्रेंस है। और सबसे मतलब यही है कि एक्चुअली मेन एंट्रेंस है, सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है राउंड द ईयर, और यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के शॉप्स हैं। तो आप आते तो अपने लॉड वंस के लिए ले सकते हो कुछ भी, है ना, और भीड़ देख सकते हो। संडे है और ये अभी 9 बजे हैं। दोस्तों अभी हम जलियांवाला बाग में एंट्री कर रहे हैं, यही वो रास्ता है जहां से भारत जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने इकट्ठे हुए थे। तो दोस्तों अब हम आ गए जलियांवाला बाग के परिसर में, यहां ग्रीनरी करके काफ़ी अच्छा बना दिया है, और आपको आगे चल के दिखाते हैं कैसा है जलियांवाला बाग और यहां की हिस्ट्री। तो दोस्तों हम यहाँ पे जलियांवाला बाग में जस्ट एंट्री हुए थे, और एंट्री होते ही मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे देखने आए हुए हैं उस जलियांवाला बाग में कांड क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ जो कि हिस्ट्री है। आपको पता होगा आपने स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में आपने पढ़ा होगा, पर एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जलियांवाला बाग ये जो कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और ये इसमें कुछ कारण क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग में यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, जैसे आम जनता बाकी किसान इकट्ठे हुए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो और भी हुआ था प्रोटेस्ट क्यों, अगेंस्ट द रौलत एक्ट, और दो कहते हैं तो इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे सत्यपाल जी एंड सैफुद्दीन खिचड़ी, और क्या कहते हैं, और उस पर रहा फिर जो जनरल डायर साहब को पता है उनको भविष्य पता लगी तो उन्होंने एंट्री ली और बिना किसी को बताए, और एक ही वहाँ पे क्या कहते हैं एग्जिट था वो क्लोज करके और अंधाधुंध बिना किसी दाव के और फायरिंग करी, और उस दौरान काफ़ी 1000 से 1200 लोग शहीद हुए और 3000 लोग कहते हैं इंजर्ड हुए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरल डायर ने काफ़ी मतलब गिरते लोगों की हत्या करी थी, काफ़ी लोग इंजर्ड हुए थे, शहीद हुए थे, तो उनके जो परिवार वाले हैं तो उन्हें बहुत ही उनकी आत्मा को बहुत आहत हुआ था, उनकी मतलब कि अंधाधुंध फायरिंग करके जो निहत्ते लोगों को मार दिया गया था। तो उस टाइम ब्रिटिश राज का रोल था और हम सब खास से मौन हो गया कहते हैं मूवमेंट चले हुए थे कि कैसे अंग्रेजों को यहाँ से बाहर हिंदुस्तान से बाहर निकालना है। तो वो उसका फिर बदला 1940 में उद्धम जी ने लंदन में जाके वहाँ उनको गोली मारी थी। दोस्तों अब चलते हैं म्यूजियम में। म्यूजियम में पहली गैलरी में दिखाया गया पंजाब के समृद्ध इतिहास और अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब के लोगों द्वारा देश विदेश में हुए आंदोलन का वर्णन करती है। अब चलते हैं दूसरी गैलरी में। दूसरी गैलरी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेज द्वारा पंजाब का शोषण और साथ में रौलत एक्ट, काले कानून का विरोध और हत्याकांड के पूर्व हुए घटनाक्रम चक्र का उल्लेख करती है। दोस्तों अब हम चलते हैं एक और गैलरी में। यहाँ पे विजुअल्स के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरा दृश्य दिखाया गया है।
दोस्तों इस गैलरी में जलियांवाला बाग हत्याकांड को दर्शाया गया है। रौलत एक्ट 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था, जिसमें सरकार को देशद्रोही गतिविधियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को उस पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने या कैद कर दिया जाता था। 13 अप्रैल 1919 को लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। जनरल डायर के गैर कानूनी सभा को प्रतिबंध करने वाले आदेशों के विरोध लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। जब ये खबर ब्रिगेडियर जनरल डायर तक पहुंची तो वह अपने सैनिकों के साथ बाग की तरफ आ गया और बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोलीबारी 10-15 मिनट तक जारी रही, उसमें 1650 राउंड चलाए गए। दोस्तों इस हत्याकांड में करीब 1000 से 1200 लोग शहीद हुए और 200 से 500 लोग घायल हुए। इस दौरान मरने वालों में युवा, महिलाएं, बच्चे सभी उम्र के शामिल थे। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं शहीदी कुआं के पास, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए थे। उस दिन यह कुआं पानी से नहीं, खून से लबालब था। उस समय करीब 150 मृतक शरीर निकाले गए थे। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं शहीदी दीवार के पास। इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस पर गोलियों के 36 चिन्ह हैं, जिन्हें जनरल डायर ने बिना आदेश के, बिना कोई चेतावनी दिए, उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रौलट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं तीसरी गैलरी में। उस निर्दयी हत्याकांड के बाद समस्त देशवासियों की एकजुटता को दर्शाया गया है। हमने जलियांवाला बाग पूरा अच्छे से तरीके से देख लिया और आपको भी अच्छे से इस वर्चुअल टूर करा दिया है। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों काफ़ी वेल डेवलप्ड हो गया, पिछले साल आए थे, पहले काफ़ी कई साल बाद आए हैं, तो जितने भी म्यूजियम हैं ये रिसेंटली अभी 2021 में ये मोदी जी ने क्या कहते हैं इनका उद्घाटन किया है। तो उसमें क्या है कि जलियांवाला बाग क्या कांड कैसे हुआ, उद्धम जी कौन थे, जनरल डायर कौन कैसे थे, तो पूरा डिटेल में वीडियो है, फोटोग्राफी बताया, तो काफ़ी जो नई जनरेशन को उनको पता रहना चाहिए, तो उसके लिए काफ़ी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा कर रही है। ये हिस्ट्री है और सबको पता होना चाहिए। हाँ। और ये विजुअल और साउंड इफेक्ट से और इससे लोगों की नॉलेज बढ़ रही है। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं और ऐसे किसी नए सफर पे, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।